लेवन को स्पॉन होके थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ। माइन शाफ्ट से वुड कलेक्ट करके ये वुड के टूल्स बना देता हूँ। फूड की कमी होती है तो फिर मैं अपने लिए एक फिशिंग रोड बना के फिशिंग करता हूँ। केव स्पाइडर से मैं हाफ हार्ट पे बचता हूँ। अपने लिए डोर्स बना के पानी में काफी सारा कोबल स्टोन कलेक्ट करके आयरन होता है वो भी कलेक्ट करके अपने एक बकेट बना दे। थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। रात होती है स्ट्रिंग से वूल बना के अपने लिए एक बेड बना देता हूँ। थोड़ा एक्सप्लोर करते ही मुझे ओपन एरिया मिल जाता है जिसमें मैं चेस्ट वगैरह लगा के अपना सामान वहीं रख देता हूँ। माइनिंग पे जाके कोल और आयरन माइन करके सारे टूल्स और आर्मर बना देता हूँ। डे थ्री को फार्म बना के बीट रूट और पंपकिन प्लांट कर दे। डे फोर को माइन बना के डायमंड माइनिंग पे जाता हूँ। एक डायमंड के साथ वापिस आता हूँ। डे फाइव को एक्सप्लोर करते मुझे एक इंचांटेड गोल्डन एप्पल मिल। दो गोल्डन एप्पल मिलते हैं और मेलन सीड्स मिलते हैं। नेक्स्ट डे में मेलन और पम्पकिन फार्म बना के डायमंड माइनिंग पे जाता हूँ। पांच दिन माइनिंग के बाद इतना डायमंड हो जाता है कि मैं सारा टूल्स और आर्मर बना। डायमंड टूल्स और आर्मर बनाने के बाद केव में ऑब्सीडियन कलेक्ट करने। ऑब्सीडियन के साथ साथ मुझे 60 डायमंड भी मिल जाते हैं।
ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद घर आके काफी फिशिंग करता हूँ। वहीं पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है। जो ट्री की सेबलिंग भी दे रहा होता है। एमरल्ड नहीं होता है मेरे पास तो उसे मैं बोट में बिठा देता हूँ। रात को काफी सारे जोम्बीज होते हैं, मैं उन्हें मारता हूँ तो मुझे कैरेट मिल जाते हैं उनमें से। कैरेट को प्लांट करके बोन मिल की मदद से काफ़ी सारा कैरेट ग्रो करके मेरे पास जो गोल्ड होता है उससे गोल्ड नगेट बना के गोल्डन कैरेट बना देता हूँ। ऑब्सीडियन की मदद से नेदर पोर्टल बना के नेदर में चला जाता हूँ। नेदर में काफी दिन ढूंढने के बाद मुझे फाइनली फोर्ट्रेस मिल जाती है। फोर्ट्रेस से ब्लेज रोड कलेक्ट करके मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ जाता हूँ। एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ। उसमें पोशन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ। कोल की कमी होती है माइनिंग के लिए केव में आ जाता हूँ। वहाँ पे ज़ोंबीज होते हैं उन्हें मारता हूँ तो एक ज़ोंबी से मुझे पोटैटो मिलता है। केव से वापस जाते हुए मुझे 3 एंडरमैन नज़र आते हैं तो इन्हें भी मार देता हूँ। एक छोटा सा बेस बना के सारा सामान अंदर शिफ्ट करता हूँ। फाइनली रात को मुझे एक ज़ोंबी विलेजर मिल जाता है। ज़ोंबी विलेजर को घर में बंद करके उस पर पोशन ऑफ वीकनेस बैंक के एक गोल्डन एप्पल खिला दे। विलेजर के सही होते उसे कार्टोग्राफर बना देता हूँ। उसे काफी सारी गिलास और पेपर की ट्रेड करता हूँ। विलेजर्स के लिए एक एरिया बनाता हूँ। ब्लॉक्स लेने के लिए केव में जा रहा होता हूँ, वहीं मुझे एक और ज़ोंबी विलेजर मिल जाता है।
रात होते ही उसे भी घर पे ले आता। फिर मैं अपने फार्म पे काम करता हूँ। मेरे पास बुक्स के लिए लेदर नहीं होता। नेदर में जाके पिगलिन से ट्रेडिंग करता हूँ लेदर की। एक बुक शेल्फ बना के ट्राई करता हूँ अच्छी ट्रेड लेने। मुझे एफिशिएंसी 5 दे रहा होता है, वो भी 17 एमरल्स में। बहुत ही सस्ती ट्रेड होती है तो मैं ना नहीं बोल सकता उसे। एलजे ट्रेडिंग एरिया में थोड़ा और काम करता हूँ और ये बना देता हूँ। हमारे पास एक बेबी विलेजर होता है, मैं उसे उधर ही ट्रांसफर कर देता हूँ। अब बारी आती है एक्सपी फार्म बनाने की। पास में मेरे को स्पाइडर स्पोनर मिलता है जिससे मैं एक्सपी फार्म बना देता हूँ।
पूरे 8 दिन तक मैं अपना आर्मर इंचांट करता हूँ। मुझे पिकेक्स पे फॉर्चून 3 मिलती है, जिसके साथ मैं फिर माइनिंग पे जाता हूँ। मुझे एक स्लाइम चंक भी मिलता है, जिसमें एक स्लाइम भी होती है। मैं उसे मार काफी सारा डायमंड्स कलेक्ट करके घर वापस आ जाता हूँ। सारी लूट एक चेस्ट में रखता हूँ, ये लूट होती है। घर आके मैं अपनी स्वॉर्ड और बो को एंचांट करता हूँ। और फॉर्म पे भी काम करता हूँ। आर्मर रेडी हो जाता है। बारी होती है इसे नेदरराइट में अपडेट करने। मैं पूरे 9 दिन तक नेदरराइट माइनिंग करता हूँ। नेदरराइट माइनिंग के बाद मैं अपने पूरे आर्मर और एक पिकेक्स को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। विलेजर से एप्पल लेके उसे गोल्डन एप्पल में कन्वर्ट करके मैं चलता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। थोड़ा आगे आते ही मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाते हैं। इसमें मैं सारी आई का वेंडर लगा के सीधा एंड में चला जाता। एंड में फाइनली ड्रैगन को मार के हम लोग
एंड सिटी की तलाश में निकलते हैं इलाइट्रा के लिए। एंड सिटी में थोड़ा आगे आते ही मुझे एंड शिप मिल जाती है। एंड से इलाइट्रा कलेक्ट करके और थोड़े से शर्कर शेल्स कलेक्ट करके मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ गया। अब बारी आती है विदर को मारने की। मैं दोबारा से फोर्ट्रेस में जाके विदर हेड्स कलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट ट्राई में मुझे 2 मिल जाते हैं। घर से थोड़ा दूर एक ओपन एरिया होता है जहाँ मैं विदर को स्पॉन करता हूँ। इधर से फाइट के टाइम वहाँ एक वांटेड ट्रेवलर भी स्पॉन होता है। यहाँ मैं हाफ हाफ से बचता हूँ इधर से। मैं घर आके एक बेकन बना देता हूँ और अपने लिए थोड़ा बड़ा पम्पकिन और मेलन फार्म बनाता हूँ। पम्पकिन और मेलन फार्म बनाने के बाद
मैं अपने लिए एक विलेजर ट्रेडिंग एरिया बनाता हूँ। पूरे 5 दिन तक विलेजर से ट्रेड करके मैं एमरल्ड्स कलेक्ट करता हूँ। एमरल्ड की मदद से मैं अपने जो ब्लॉक्स बना के और आज हमारा लास्ट डे होता है डे 100। तो फाइनली हमने 100 डेज सर्वाइव कर लिए बैडलैंड्स बायोम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।